देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन में देश की महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण देकर और नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करके देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाते हुए देश के नए संसद के कार्य का आगाज नारी शक्ति को समर्पित किया। ये बातें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने भाजपा शहर उत्तरी विधानसभा की नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन में उपस्थित महिलाओं को 33% राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण मिलने की बधाई देते हुए कही। पुलिस लाइन में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक देश के संचालन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज आधुनिक भारत के हर क्षेत्र में देश की बेटियां आगे बढ़ रही है और देश का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें संकुचित मानसिकता से बाहर निकलना होगा और घर की महिलाओं को बड़े विश्वास के साथ स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो भारत के लिए गौरवशाली इतिहास रचेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की योजनाएं देश एवं प्रदेश की महिलाओं को सम्मान के साथ जीने के लिए समर्पित है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था आज इतनी मजबूत है कि कोई भी गुंडा बदमाश महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, और जो करता है तो उसका जवाब बुलडोजर से दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी दल सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भ्रम फैला रहा है। जब वे सत्ता में थे तो कुछ नहीं कर सके, और जब मोदी ने महिलाओं के हित में ये कानून बनाया तो उन्हें पच नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति अधिनियम बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है और कानून बन चुका है, इसलिए इस बात को लेकर कोई शंका में ना रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु गोयल ने कहा कि नारी जब ठान लेती है तो हर क्षेत्र में अपनी जय जयकार करा सकती है। आज अपने दम पर भारत के हर क्षेत्र पर कामयाबी का इतिहास रच रही है। जो 33% आरक्षण का जो पास किया है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उसी के उपलक्ष्य में ये महिला सम्मेलन किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि मुख्य अतिथि आ रहे हैं राकेश सचान जी, कैबिनेट मंत्री। ये हम लोग महिला शक्ति का एक उत्साह है, एक हम लोग इसको त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, और हम मोदी जी का क्या कहते हैं तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं। हम सारी नारी शक्ति जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती है, इसीलिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर प्रदेश की मंत्री अनामिका चौधरी, महापौर गणेश केसरवानी, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, शशि वार्षणेय, अर्चना शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा एवं प्रदेश महिला मोर्चा मंत्री एवं कार्यक्रम की संयोजक कविता यादव त्रिपाठी रही। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार के प्रति ही विश्वास रह गया है। संचालन आभा मधुर श्रीवास्तव ने एवं समापन महिला मोर्चा अध्यक्ष शिखा रस्तोगी ने किया। मीडिया प्रभारी राजेश केसरवानी बताया कि 17 अक्टूबर को दोपहर 11 बजे दक्षिणी विधानसभा का महिला सम्मेलन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मुट्ठीगंज में किया जाएगा। इस अवसर पर पार्षद किरण जायसवाल, क्षेत्रीय मंत्री वंदना सिंह, महामंत्री रीता सिंह, उपाध्यक्ष दुर्गेश नंदिनी, आभा सिंह, अनीता पांडे, मीडिया प्रभारी चंद्रा अहलूवालिया, कल्पना शर्मा, अंजलि गोस्वामी, संगीता गोस्वामी सहित हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।